फाइनली मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग शुरू करूँ, और व्लॉग अभी शुरू हो रहा है दोपहर के कितने। अरे ये माय बैड, हमेशा धोखा दे देती है। अच्छा ब्राइटनेस कम रखी है मैंने इसीलिए। हाँ अभी हो रहा है 3:30, और अभी फाइनली मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और इस व्लॉग में आपको मोटो व्लॉग देखने मिलेगा, और मेरा नया हेलमेट THS का हेलमेट T76, यस T76 मॉडल का नाम है, और वो ये रहा। बहुत दिनों से हेलमेट लेने देने की सोच रहा था, करीब करीब 1-2 हफ्ते से, लेकिन कुछ ना कुछ काम था, इसलिए गांव भी जाना था वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से नहीं ले पाया। और कल फाइनली संडे को जाके ले लिया नया हेलमेट। सो फाइनली इसको मैं खोलता हूँ। सो हियर इट इज़, THS का मॉडल नंबर T76, डॉट सर्टिफाइड और ISI सर्टिफाइड दोनों से। सो मोटो व्लॉग के पहले आपको एक क्विक लुक इसका दे दूँ। नियॉन कलर है विथ वाइट एंड ब्लैक। सो आधे घंटे बाद मैं मोटो व्लॉग करने जाऊंगा ये हेलमेट पे पहन के, यहाँ पे प्रोकस रश 2.0 लगा के। और जो लोग हेलमेट के लिए देखने आए उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, वहाँ पे जाके आप सीधा हेलमेट का रिव्यू फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। सो यह अभी आपको सीधा बाइक पे मिलता हूँ। थिंक द एंगल इज परफेक्ट, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस हेलमेट में, सो आइडिया नहीं है। और इस रोड पे पता नहीं खड्डे कहाँ से आ गए, यहाँ पे ना हैवी व्हीकल्स आते हैं ना कुछ, बट आई डोंट नो क्यू। और हो सकता है कि आपको आवाज़ प्रॉपर ना आ रहा हो, क्योंकि माइक जो है कहीं जगह नहीं थी तो मुकेश पास ही माइक लगाया है। सो हो सकता है या तो आपको बहुत ऐसी मफल्ड आवाज़ आ रहा हो, या फिर एकदम ही मतलब खर 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 जैसा आ रहा हो, कुछ भी पॉसिबल। सो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा कर लेना। और बाकी हेलमेट की बात करूँ तो हेलमेट बहुत ही मस्त अफोर्डेबल है, तो वो तो ऑफकोर्स कंफर्टेबल होगा ही, चेक करके ले आए तो। पहले तो मैंने सोचा क्या मोटो ब्लॉक करूँगा, कहाँ जाऊँ, कुछ काम है नहीं, लेकिन फिर मम्मी ने काम बता दिया। मम्मी का एक मेडिकल रिपोर्ट लेने जाना है, वो लेते हुए जाऊंगा। थोड़ा सा आगे जाके सेल्फी स्टिक से शॉट भी ले लेंगे मस्त वाले। और अभी अभी थंडरबर्ड को सर्विस करवाए तो एकदम मस्त मजा आ रहा है चलाने में। बाकी ये हेलमेट लिया है तो फ्यूचर में हो सकता है कि मैं राइड करूं। वैसे तो इसी मंथ उदयपुर जाना था लेकिन कैंसिल रहा था, बिकॉज जो ग्रुप था सबको सेट नहीं हो रहा था, तो अभी नेक्स्ट मंथ पे पोस्टपोन किया है। अभी देखते हैं दिसंबर में हो पाता है या नहीं, क्योंकि दिसंबर में मैरिजेज है बहुत सारे लोगों के, मेरे कजिन सिस्टर के भी है और भी एक दो लोगों के है। अभी हमें कहाँ पे जाना है वो मुझे भी नहीं मालूम, बट यस देखेंगे, पॉसिबल होता है तो उदयपुर जैसलमेर राइड करनी है एक बार मस्त वाली, और वो भी अपने थंडर पे। और वो राइड पे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं 100%, एक मोटो ब्लॉक तो KTM 390 पे होगा जो कि जयमीन के पास है। हम लोग सापुतारा गए थे लास्ट मंथ लेकिन बहुत सारे लोग थे तो मेरे लिए ऑकवर्ड था ब्लॉक। बस इधर से फटफट रिपोर्ट ले लेंगे जल्दी जल्दी और फिर निकलते हैं।
लो अमिता बेन, अमिता लक्की वाले तारु छे ऊपर चेतन परमार लक्की जन घुटेलू। हाय हाय वधी गयो। सो घर आ गया मोटो लग करके, बड़े दिनों महीनों सालों बाद मज़ा आ गया। और अब सीधा हेलमेट की बात करते हैं। एक्चुअली फ़ोन में मुझे ये एक्चुअली नियॉन कलर है, ग्रीन नियॉन, येलो नियॉन, जो भी नियॉन होता है वो ही कलर है, बट फ़ोन में दिख नहीं रहा है वो। मुझे लग रहा है कि एडिटिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा, बट नहीं। लेकिन अभी टाइम पास के बिना सीधा हेलमेट के फीचर्स की बात करते हैं प्रोकस निकालने के बाद। तो ये हेलमेट मैंने कुछ लिया 3900 समथिंग में, और THS कंपनी का है, मॉडल नंबर है T76, विच इज़ डॉट सर्टिफाइड एंड ISI सर्टिफाइड। इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शॉप ओनर ने कहा कि डॉट सर्टिफाइड ISI सर्टिफिकेशन के एक लेवल ऊपर आता है। अभी वो कितना सच है या नहीं मालूम नहीं, बट ट्रस्टेड शॉप है तो वहीं से मैंने लिया है। वाइजर में हमें पिन लॉक मिलता है, और पिन लॉक शायद से इसलिए यूज़ किया जाता है कि फॉग ना हो और डस्ट ज़्यादा ना लगे। आई थिंक एंटी फॉग बनाने के लिए पिन लॉक यूज़ होता है वो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई डोंट हैव मच ऑफ द आइडिया अबाउट दिस हेलमेट्स। और यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे एक वेंट है, दो वेंट्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी गैप दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे पीछे। और सबसे बड़ी बात तो आपको ऐसे नहीं लगेगा वीडियो में, बट ये जो छोटी सी इसकी टेल दी है वो जो कूल लगती है ना, मैंने लिटरली पहन के देखा तो इट लुक्स रियली कूल वाइल वेयरिंग, और बड़ा ही मस्त लगता है। और इसकी पैडिंग भी बड़ी बढ़िया है अंदर से भी और बाहर से, लुक्स तो आपको दिख। और अगर आपको लेना है तो 100% 100% ले लो, बहुत ही मस्त है। और मैंने ये दिवाली की लाइटिंग अभी भी यहाँ पे लग रखी है। सो एंडिंग द व्लॉग हियर, ज़्यादा व्लॉग नहीं खींचना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मोटो व्लॉग अच्छा लगा हो, हेलमेट का वीडियो जैसा भी बनाया अच्छा लगा हो, तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, और वीडियो को शेयर करो शेयर करो, क्योंकि काफ़ी महीना 2 महीने जितना गैप पड़ गया था मेरे चैनल पे। रीच तो वैसे भी थी नहीं, अभी भी नहीं है, तो अभी रेगुलर डालना शुरू करूँगा वीडियोस। तो बस शेयर करो और बस सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।